हेलो, हेलो शाहिद भाई, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया शाहिद भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर योर वेलकम, इंस्पिरेशन एंड योर मोटिवेशन. वेलकम। यश जी, आपका माय अमेजन फर्स्ट सेल में सेल देखा कि कल आपने $76,000 का सेल किया है। यस भाई, कहाँ से हो आप? मैं गुजरात इंडिया से हूँ. गुजराती हो? यस फिर तो शाहिद भाई, कारोबार आपके खून में है। यस. हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त आप कहाँ पर रहते हो? मैं अभी सियाटल वॉशिंगटन में हूँ. अच्छा, वाशिंगटन में हो। हाँ ठीक। तो ये आपका पहला अमेज़न पर सेल है? इससे पहले आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं? हाँ शायद भाई, मैंने 2022 में अमेज़न का जर्नी स्टार्ट किया था, अच्छा, और मैंने स्टार्टिंग होलसेल बिजनेस से किया था. फिर उसमें मैंने मतलब 15 डेज में मैंने जो स्टॉक रखे थे, इन स्टॉक किए थे, वो 15 डेज में आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो मुझे और मोटिवेशन मिला. फिर मैं प्राइवेट लेबल पे गया, तो अच्छा, अभी मैं प्राइवेट लेबल भी करता हूँ. मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर किया है, पेटेंट USPTO पे डाला है, और वो पब्लिश भी हो गया है. सो उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ. प्लस आपका रिसेंटली वीडियो देखा हाउस वाला, तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड एंड आई जस्ट ट्राइड. फर्स्ट 2-3 दिन कुछ सेल नहीं आया, बट लाइक आई वॉज जस्ट एवरी डे आई वॉज ट्राइंग टू अपडेट द प्राइस एंड ट्राई टू विन द बाई बॉक्स, और फाइनली आई गॉट द सेल. 76,000. आप अमेरिका में क्या काम करते हैं? मैं शाहिद भाई एज अ स्टूडेंट आया था. मैंने मास्टर्स किया कैलिफोर्निया से, और अच्छा, अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ. अभी मतलब जॉब मिली नहीं है, बट स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब. बट ऑनेस्टली किस चीज जॉब में एक मास्टर किया है आपने? डेटा एनालिटिक्स में था. यस, बट ऑनेस्टली आई एम ऑल इंक्लाइन टूवर्ड्स दी बिजनेस सिंस स्टार्टिंग. मैंने 8 साल इंडिया में जॉब की, उससे पता चल गया कि जॉब नहीं हो पाएगी. आप एज अ स्टूडेंट आए अमेरिका गुजरात यस से. यस, कितने साल आपने अमेरिका में पढ़ाई की? मैंने शायद भाई 2 साल की. 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, फैमिली, मेरे मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे वापस जाना पड़ा. बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड, तो उनकी ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था. तो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया, वापस मैं आया और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया. एंड या दैट्स इट सिंस अल्लाह टू आपकी थाउजेंड अम्मी को जो है सेहत दे. कितना खर्चा आया आपके पढ़ाई पे? ऑलमोस्ट 20-25 लैक्स प्लस. इंडियन रुपीस? यस और वो 20-25 लाख आपने एक दिन में बना लिए? यस सर, क्या आई समझ आई रियली कांट बिलीव कि ये मतलब पॉसिबल है. लाइक मैं 2021 से आपकी वीडियोस देखता था, वहां से इंस्पायर हुआ. एंड आई वाज स्ट्रगलिंग इन माय बिजनेस, बट लाइक जो कहता है ना कि लास्ट में जो मैनिफेस्ट किया था वो पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू. 7 डेज से मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स के सेल को ट्रैक डाउन किया है. वे डिड ओवर $15 million जस्ट बाय सेलिंग हाउसेस यस सर, इन सेवन इट्स डेज रियली ऑसम. ये जो आपने बोला कि बहुत ही बड़ा बिजनेस मार्केट बनने वाला है ग्लोबली, इट लाइक इज आप जो है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जितने भी ये एक है कि जितनी भी रेंटल मार्केट है, इसके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. रेंटल मार्केट जो है ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक रेंटर जो है अब कोशिश करेगा कि पार्क में जगह लूँ, अपने लिए एक छोटी सी लैंड खरीद के अपने लिए एक घर, तो ये सारे साल का रेंट जो है लाइफ टाइम उनके लिए घर दे सकता है. यस सर, एग्जैक्टली. आई एम गेटिंग इंक्वायरीज फॉर लाइक मोर देन 10 हाउसेस ऑल एंड टुगेदर. टू बी ऑनेस्ट, ज़माना ऐसे तरफ जा रहा है कि आप अब लोग मोबाइल हाउसेज, जो लोग वर्क फ्रॉम लैपटॉप करते हैं, वो इवन दो वैंस को रिकन्वर्ट करते हैं इनटू हाउसेस. यस सो अगर मेरी स्टूडेंट बजाय परमानेंट हाउस लैंड के साथ साथ अगर गाड़ियों के हाउसेस पे भी फोकस करे, टू बी ऑनेस्ट दिस थिंग विल बी अमेजिंग. I want to like go further for this house selling, and I want to make like यहाँ पर अभी it's like very starting phase, तो इट मुझे इज उसमें मोनोपोली क्रिएट करना है, और आई रियली वॉन्ट कि मैं उसमें इट्स गोना बी अ $1 बिलियन इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि
आपको इन ये जो है गरीब लोगों के लिए एक अच्छा स्कीम है कि घर इनको जो है अपना घर मिले। मोस्टली आपको पता है जो लोग हाउस अफोर्ड कर सकते हैं वा वुड दे बाय, बट मोस्टली अमूमन जो है दुनिया में 99% लोग गरीब है। सो ये ऐसी मार्केट है कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्क्रीन हमारे साथ शेयर करके हमें आपका सेल देखना है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। यस सर, एक और चीज बतानी थी कि जितने मुझे ऑर्डर्स आए हैं अमेज़न पर उससे ज्यादा कैंसल भी हुए हैं, मे बी बिकॉज सो मार्केट में जो है अब लोगों ने ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि कोई 8,000 पे लिस्ट कर रहा है विदाउट नॉलेज, और जो है अब लोग घुस रहे हैं इस चीज़ में। सो मोस्टली और कैंसलेशन रेट इसलिए ज़्यादा हुआ है कि लोगों ने 8-8 हज़ार का घर पे लिस्ट किया है। इनफैक्ट ये है कि 8,000 का तो ओनली घर का खर्च है कि कस्टमर तक पहुंचे। सो ये है कि ये जी। ठीक हो जाएगा। अब ये जितनी भी करेक्शन है ना, ये जितनी भी लोग आ रहे हैं, लोग इसमें जो है कोई 6,000 का डाल रहा है बस सेल लेने के लिए, नो विल गेट बेटर। यस यस लाइक आई वाज आल्सो ट्राइंग टू विन द बाय बॉक्स, और उस बाय बॉक्स में मुझे बहुत ज्यादा अपडेट्स करने पड़े अपने प्राइस में। देखिए, बाय बॉक्स को विन करना दैट्स नॉट द गोल। गोल है कि आपके बिजनेस को प्रीमियम मिले, क्योंकि बाय बॉक्स से बेहतर आपका वक्त है। आप वक्त डाल रहे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो बाय बॉक्स जो है आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अच्छा काम कर सकते हो। चाइना में डिफरेंट सप्लायर से बात करके उस मोबाइल होम को जो है यू कैन अपग्रेड इट। लाइक लेट्स से एक बंदा मोबाइल होम दे रहा है, आप उसकी कंडीशन देख के आप चाइना में अपने मैन्युफैक्चरर से कहो कि इसमें मुझे ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स चाहिए, मुझे इसमें टीवी चाहिए, मुझे इसमें जो है सीट हीटेड टॉयलेट्स चाहिए, मुझे इसमें लाइक यू कैन गो लाइक अ हाई एंड होम और उससे बेहतर कर सकते हो, रादर देन कि हर एक बंदा जो है अब नॉर्मल घरों के पीछे जा रहा है। सो अगर लोग नॉर्मल घरों के पीछे जा रहे हैं, यू कैन गो अहेड एंड लिस्ट ऑल्सो और मोबाइल होम की गाड़ी भी मिल रही है और साथ में ले भी जा सकते हैं। अगर आपने ऑटोमोबाइल होम साथ में ऐड किया, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स जो आपको मिलेंगे वो न्यूयॉर्क से मिलेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में मोस्टली लोग गाड़ियों में सोते हैं, अपने छोटे छोटे गाड़ियों में। सो अगर आप उनको ऐसा मोबाइल हाउस दोगे अफोर्डेबल, ट्रस्ट मी आपको आपको ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ऑर्डर आएंगे, क्योंकि मोबाइल होम में रहने का कल्चर जो है 3 सिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। कैलिफोर्निया में लोग करते हैं कैंपिंग, ज़्यादा करते हैं। न्यूयॉर्क में लोग रेंट हाई होने की वजह से गाड़ी में सोते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में लोग जो है दे वॉन्ट एंजॉय और अपने जो है। तो आपको मोबाइल होम्स जो ज़मीन पे रखा जाता है होम, वो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे, और आप जो है जो गाड़ी के साथ मिलता है वो भी, क्योंकि गाड़ी वाले मोबाइल होम में हसल कम है, क्योंकि ओनली जब एक बार वो गाड़ी लेगा ओनली रजिस्ट्रेशन करेगा DMV के साथ। हाँ Does यस it make यस sense? लेकिन अगर यस लैंड वाला होम लेता है तो सबसे पहले वो ज़मीन देखेगा। ज़मीन जब देखेगा, आर्किटेक्ट को हायर करके काउंटी से अप्रूवल लेगा, प्लानिंग करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लम्बिंग चाहिए, सुअर लाइन चाहिए, फिर उसके साथ साथ जो है अगर वो नहीं, फिर पार्क से बात करके, लोग यहाँ पर जो पार्क से जगह रेंट लेते हैं ना अपने यस मोबाइल होम यस को रखने में, पार्क के साथ बात करता है, तो ये भी एक अच्छी अच्छा मार्केट है, लोग लेंगे। लेकिन अगर आज साथ में गाड़ियों वाले घरों को भी फोकस करो, दिस इज अ बिग टिकेट गोल्ड माइन। यस सर, आई एम लुकिंग इन टू इट एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक इट लाइक प्रीमियम होम जैसा आपने बोला, बिकॉज अगर हम चीप प्राइस में देंगे और अच्छी क्वालिटी नहीं होगी सो पीपल माइट नॉट बाय अगेन। एग्जैक्टली सर, तो आई देखिए, हमेशा एक चीज को मैं हमेशा जब एक सर्कल आप ड्रॉ करते हो, उस सर्कल में अगर ब्लैक डॉट, तो हमेशा इंसान की फितरत यह है कि वो ब्लैक डॉट पे फोकस करेगा, किसमें ये ब्लैक डॉट क्यों है। मोस्टली बिगर पिक्चर में कोई भी नहीं सोचता, पर अगर आपने एक अच्छा कारोबारी बनना है, अगर बिगर पिक्चर में बंदा सोचे, तो आपको खुद से ओनली 6,000 का आपको सेल मिला, आपको डेली $1 मिलियन का सेल भी मिल सकता है। यस सर, मैं पर्सनली ऐसे बिल्डर्स को जानता हूँ जो बड़े मैंशंस को बिल्ड करके 2 मिलियन पे दे सेल अराउंड 6-7 मिलियन डॉलर्स। ओके तो ये एक आपका जो है एक जर्नी है, आपने मोबाइल होम से शुरू किया, आप हर दिन $2-3 लाख बना रहे हो, आपके पास इतना कैपिटल होगा कि यू विल लिटरली स्टार्ट बिल्डिंग्स इन वॉशिंगटन सियाटल, फिर आप आपकी बिल्डिंग्स बनाओगे।
यस सर। सो पॉसिबल है, आपने मैं चाहता हूँ कि आप अपना सेलर सेंटर हमारे साथ शेयर करें प्लीज। यस सर। सर मुझे सिक्योरिटी की परमिशन मैंने अभी जस्ट दी है, तो आई आई हैव टू क्विट एंड रीओपन इट, इज इट श्योर, ओके? गो अहेड, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट्स। नो वरीज। गरीबो, देखा, अगर कोई बंदा पढ़ाई के लिए आया था इंडिया से, स्कूल में वैसे ये नहीं सिखाया गया था, 25 लाख पढ़ाई पे अब काम ढूंढ रहा है, पता नहीं बेचारे को काम मिलेगा भी नहीं, नॉट गारंटीड। लेकिन एक रिस्क लिया, और रिस्क से देखो आज बंदे को 76,000 डॉलर्स का सेल मिला। ये भाई साहब जो है 76,000 डॉलर्स मुश्किल से बनाएंगे। जी भाई साहब, मैं थोड़ा बच्चों को ज्ञान दे रहा था, जलील कर रहा था इनको। इट्स मोटिवेशन शायद भाई। यस अच्छा, आपका मसला क्लियर हो गया? सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपकी एज कितनी है? यंग लगते हो, लेकिन यह है कि सख्तियों ने जो है आपको बिगाड़ दिया है। मैं शायद भाई 31 का हूँ। ओ, आप मुझसे 2 साल बड़े हो। यस क्या हुआ, ये सेहत को क्या हुआ है आपके? थोड़ा सा स्ट्रेस है अभी, मतलब वही फैमिली का स्ट्रेस, मदर का स्ट्रेस, बट हाँ धीरे 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 वो भी ठीक हो जाएगा सर। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आपको बाहर से मैसेज आया है, आपने इनको रिप्लाई किया? हाँ मैं एवरीडे उनको जितने भी मतलब ऑलमोस्ट दिन में 15 से 20 बायर के मैसेज आते हैं, मैं रेगुलरली विद इन 24 आवर्स आई आई रिप्लाई देम। गुड जॉब, गुड जॉब। आप अपने रिपोर्ट्स भेज आए प्लीज। आपने 8 यूनिट सेल किए हैं, सो एक उसमें कैंसलेशन आया था नो वरीज। जस्ट, सो दिस इज माय यस्टरडे सेल। 66,984 डॉलर्स। यस शायद भाई, तो क्या लगता है, अगर आप 66,000 कर सकते हो, 66 मिलियन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन दैट टू, जैसा आपने बोला कि सप्लाई चेन क्रिएट करना है, एक प्रीमियम क्वालिटी अपने यूजर्स को, क्लाइंट्स को देनी है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट। तो ये आपने जब डिग्री ली, यूनिवर्सिटी वाले ने आपको जॉब क्यों नहीं दिया? यहाँ पर शायद भाई आपको आपने पता उनको 25 लाख रुपए दिए, उनको आपने जॉब नहीं, आपने मुझे 297 डॉलर दिए, मैंने आपको बिजनेस दिया, एक उलट है ना। नॉट इवन 297, व्हेन इट वाज 200 आई एनरोल्ड, अच्छा, आपने उस वक्त से, आप जो 200 डॉलर का था, क्या बात है। बट मेरे तो पास तभी इन्वेस्टमेंट नहीं था शायद भाई, आई वाज नॉट श्योर, बट आज जैसे आपने बोला मैंने एकदम स्मॉल से स्टार्ट किया और एक एक पैसा जोड़ के मैंने ये मुकाम तक आया हूँ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। नहीं, इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आपका सप्लाई चेन मस्ट है। सप्लाई चेन जब अलाइन हो जाए और आपका चीज़ जब हो जाए, यकीन करे, स्टिक टू दिस। आपका यश, आपका पूरा नाम क्या है? यश जोबन पुत्रा, हाँ, आप जो है यश होम्स, जैसे यशराज फिल्म्स है ना, आपका यश होम्स होगा। इट्स पॉसिबल, यस शाहिद भाई, इट इज़ पॉसिबल। मैं ये कह रहा हूँ यस ना कि जब से द मोमेंट, मैं हमेशा सोर्सिंग में मैंने मास्टर्स किया, आपने मुझे, मैं तो 9th तक स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मैंने सोर्सिंग में मास्टर किया है। लाइक आई सोर्स प्रोडक्ट्स, मैं दुनिया भर से सोर्सिंग करता हूँ, मैं चाइना से, मैं लिटरली सारा दिन अलीबाबा में रहता हूँ। सो अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा चीज़ है ये इंडस्ट्री, कि इंसान खाने और घर के बगैर रह नहीं सकता। यस सर। इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए छत चाहिए। यू कैन नेवर एवर गो रॉन्ग विद रियल स्टेट। अब ये वर्चुअल रियल स्टेट है,
यस एग्जैक्टली पर अगर आपने आगे जाना है, जो मैंने अभी आपको कहा, सारे स्टूडेंट्स को कहा, आप लोगों ने जो मोबाइल होम्स, जो साथ में गाड़ी वाला आता है, उस पे भी फोकस करना है। आप आरवी की बात कर रहे हो ना? आरवी की बात कर रहा हूँ। यस यस हाँ, अगर आप चीप आरवी दो लोगों को, यहाँ पर आरवी कितनी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लेकिन लोगों को सोचो, ऐसा होटल भी लिस्ट करते हैं एयरबीएनबी पे, क्या आरवी हाँ वाला एयरबीएनबी? बिल्कुल, यस आप ऐसा करो कि नॉर्मल आरवी जो वैन की तरह है वो अलीबाबा पे मिलते हैं, लाइक ओके ब्रांडेड गाड़ी नहीं होती, बट इसमें सही इंजन होता है, चार्जर भी होता है, और उसमें जो है पूरा सिस्टम होता है, अलीबाबा पर है। आरवी देखो, जो लोकल गाड़ियों से चाइनीज जो आरवी बनाते हैं, यू विल लव इट, यस उसको भी लिस्ट करो। एंड देखना, अगर 66,000 डॉलर जो मोबाइल होम जमीन वाले से आरवी के, तो डबल ट्रिपल आएंगे ऑर्डर्स। यस सर। बट शाहिद भाई, मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आई कि मैंने ऑलमोस्ट 60+ सप्लायर्स को अलीबाबा पे रीच आउट किया। अभी उनका हॉलीडे चल रहा है, सो मुझे फ्री 17 तक चार्जेस, कुछ नहीं हो सकता। उनका फ्री चार्जेस मुझे एक जगह से मिला, वो मतलब बहुत ही ज्यादा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना कैसे। बताया आपको फ्री चार्जेस का? मुझे मुझे जो एक फ्लोरिडा का कस्टमर मिला था, तो मैंने उनका जिप कोड दिया अपने बायर को, तो उन्होंने डीडीपी चार्जेस 6,000 बताया है। DDP 6,000। अगर यस पोर्ट टू पोर्ट देखे, अभी मैं यूनिवर्सिटी में एक नया लेसन अपडेट कर रहा हूँ, अब ये बहुत ही ओके कम हो जाएगा। आप लोग करो क्या, पोर्ट टू पोर्ट करो, मैं आप लोगों को कस्टम ब्रोकर दूंगा। कस्टम ब्रोकर को आपने बिल ऑफ लैंडिंग देना है, जब आप बिल ऑफ लैंडिंग दो अपने ब्रोकर को, वो करेगा क्या कि आपका जो है, मोस्टली अगर एक चीज़ $10,000 से कम है तो उस पर कस्टम टैक्स नहीं आता। ओके हाँ, लेकिन फिर भी आप अपने सप्लायर से कह सकते हो, चाइनीज़ जो है हमारे पड़ोसी है तो हमारे लिए इनवॉइस बना देता है। जब इनवॉइस यस बनाए, वो सेम कस्टम ब्रोकर जो है आपको वेयर हाउस और ट्रकिंग मूवमेंट का जो है, वो आपको आपके कस्टमर के साथ बात करके सीधा कस्टमर के घर को जो है हाउस शिप कर के जो है सस्ते दाम में मिलेगा आपको। ओके पर ओके ऑलवेज लुक अराउंड, देखे चाइना में जितने भी सप्लायर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, दे ऑलवेज मेक मनी जब वो आपको शिपिंग, तो हमेशा शॉप राम, दूसरे शिपिंग एजेंट से भी पूछो। यस सर। पर आई मीन मैं मतलब 6,000 इज नॉट बैड, अगर कस्टमर के घर को 6,000, लेट्स से अगर 6,000 का घर मिलता है, 6,000 कस्टमर के घर तक, लेट्स से 12,000, अगर उस चीज को आप 24,000 30,000 का सेल कर रहे हो, व्हाई नॉट। यस सर, ये जो मुझे पर यूनिट का सेल मिला है, उस हिसाब से मतलब 6,000 इज रियली वेरी हाई। सो मैं देख रहा हूँ, उनको मंडे से उनका सब स्टार्ट हो जाएगा हाँ, चाइनीज मंडे से सेल। स्टार्ट हो जाएगा, तो आप शॉप अराउंड करो। अगर आपको DDP एक्सपेंसिव पड़ा, DDP हमेशा एक्सपेंसिव होता है, यस पोर्ट टू सर पोर्ट करो। पोर्ट टू पोर्ट आउट से एक घर का आपको $2,200 का शिपिंग आ जाएगा, ओके क्योंकि हम डेली बेस पे हमारे कंटेनर्स आते हैं, सो आई नो। तो जब ओके आपका आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको बिल ऑफ लैंडिंग देके सप्लायर से कहो कि इनवॉइस जो है 1,000 का बना दो। ओके जब वो 1,000 का इनवॉइस बना देगा, तो आपका जो है पोर्ट चार्जेस और आपका जो है डॉक चार्जेस, आई थिंक इतना नहीं होगा। गॉट इट। हाँ, इतना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा $900 जो है पोर्ट से उठाने उठाने पोर्ट से उठाने तक आपके कस्टमर के घर तक आउट से $900 लग जाएंगे। तो सर आप मुझे कोई रेफरेंस ऐसे दे सकते हाँ, जिनको मैं आज कांटेक्ट कर आज सकूं? शाम को जो है यूनिवर्सिटी में मैं लेसन अपडेट कर रहा हूँ FBM में, उसमें जो है मैं कस्टम क्लियरेंस आप लोगों को कस्टम ब्रोकर भी दूंगा, चाइनीज़ है हमारा लोकल है, सो इट विल बी प्रेटी इजी। थैंक यू सो मच सर। लाइक मैं बता नहीं सकता कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड दिस विल रियली चेंज माय लाइफ। आई माइट नॉट सर्च फॉर जॉब एनी मोर यू फॉर डोंट नीड श्योर। सर, अगर आप अपने कमरे से 66,000 अ डे का रेवेन्यू, यकीन करें 66,000 अ डे रेवेन्यू, मैकडॉनल्ड कितना बड़ा फ्रेंचाइज है, यस वो दिन का लोकेशन नहीं करता। सर यस स्टारबक्स कितना बड़ा ब्रांड है, वो 66,000 दिन का एक लोकेशन से नहीं कर सकता। यस सर दुनिया वो की जितनी भी बड़े ब्रांड्स हो, दे कैन डू $66,000 इन अ डे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर है मैकडॉनल्ड का एक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउट से अगर एक बिजी लोकेशन है, सो 20-22 हज़ार से ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन मेरी ऐसी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने लिटरली 1 मिलियन इन अ डे किया है, कौन सा ब्रांड है जो करता है?
इट्स नॉट इट्स वेरी लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउअडेज कंपटीशन की वजह से. कंपटीशन की वजह से बट राइट नाउ एवरीथिंग इज इन अ क्लाउड. और आजकल जो है ई कॉमर्स इंटरनेट जो है इट्स अ प्रीटी स्मार्ट गेम टू प्ले. यस सर. इवन दो आई लाइक ये इंडिया से हो सकता है ये हर. तो आप यहाँ पर जो है अभी भी स्टूडेंट वीजा पे हो या आपको वर्क परमिट है आपके पास? वर्क परमिट है सर. एक्चुअली मेरी वाइफ यहीं पर है, वो यहाँ पर जॉब करते हैं, तो मैं उनके डिपेंडेंट पे, मतलब मैं पहले स्टूडेंट वीजा पे था, अभी मैं उनके डिपेंडेंट पे हूँ, बट आई कैन वर्क इवन आई कैन डू बिजनेस और एनीथिंग. ये काम जो है इंडिया से भी लोग कर सकते हैं. आप इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान से अपनी कंपनीज बना के आराम से कर सकते हैं. मैं जब इंडिया में था तभी मैंने यूएस में कंपनी रजिस्टर किया था, फिर यहाँ पर आया था ऐसा. सो इट्स रियली लाइक लाइफ चेंजिंग फॉर मी. मोस्टली आपके इलाके के लोग कारोबारी होते हैं, जैसे पाकिस्तान में मेहमान लोग हैं, हमारे मेहमान लोग कारोबारी, ये क्या चक्कर है? लाइक इट्स इन डीएनए सर. लाइक मैं जब बचपन से मैं देखता हूँ लोगों को, मेरे परिवार में सब, मतलब माय वन ऑफ माय अंकल्स, माय कजिन, ही इज डूइंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस. एक मेरे कजिन है, वो उनका सीए का खुद का फर्म है. मेरे बड़े पापा है, ही इज अ लॉयर सिंस लास्ट 40 इयर्स, ही इज डूइंग प्रैक्टिस. सो बचपन से मैं देखता आया हूँ कि घर में कोई जॉब नहीं करता. इवन माय फादर यूज्ड टू डू बिजनेस इन इंडिया. तो कभी मैंने जॉब का सोचा नहीं, बट हाँ मैं आईटी में था, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था लाइक, सो आई डिड जॉब, बट देन आई रियलाइज के खून में नहीं है, इट शुड बी अ बिजनेस ओनली. एक और काम है अगर हम सब इस पे गौर करें. यस सर. चाइना से घर लेना इट्स अ गुड थिंग, चीज रेडी है, लेकिन क्यों ना अगर एक स्टेज पे बंदा चला जाए और आपके पास लेट्स से 1 मिलियन का कैपिटल हो, आप नहीं चाहेंगे कि बिहार में आप एक फैक्ट्री बना के वहां से लोकल घर बना के इंडिया से शिप आउट करो चाइना से सस्ता? अगर चाइना से 6,000 का पड़ रहा है, आई बेट कि पाकिस्तान में जो है ये घर एक पाकिस्तान में ये घर 1,000 से लेकर $2,000 तक इजी बन जाता है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी. यस सर, बट वही हो गया सर, उसके लिए कैपिटल चाहिए. इवन सो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो व्हील है इसको यूज करो, इससे जो है $1-2 million निकाल के $2 million इन्वेस्टमेंट बैक होम बहुत ही अच्छा है. यस सर. सो आई वुड से कि अगर बंदा जो है लिटरली अपने मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में इतने अच्छे अच्छे कारीगर है, यकीन करो हम चाइनीज से भी अच्छे हैं. यस सर. लेकिन हमें पैम्परिंग, आपको पता है हमारे लोग मोस्टली, मैं इंडियंस की नहीं, मैं पाकिस्तानी, जितने भी भोसड़ी वाले आवाम हैं इनके बारे में, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे, मैं हमेशा लोग कहते हैं आप इंडिया के लोगों को कुछ नहीं कहते अफगानिस्तान, मैं क्यों कहूँ उनको? यस सर. जिन बंदे में, अब मुझे पता है सारे इंडियंस जो है आप लोग कारोबारी हो, आप लोगों को कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं. मैं इसलिए पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क में इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करें, यहाँ पर इन लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है घरों की, क्योंकि बैक होम जमा हमारा जो जितना अच्छा घर होता है, इन गोरों के पास वो घर नहीं होता. It's very expensive here, sir. Yes, I agree. So, सोचो कि अगर ये अभी आप इंशाल्लाह आप $1 million revenue hit करो, तो ये नहीं करोगे कि अपने मुल्क में ही घरों को बना के मेड इन इंडिया का टप्पा लगा के जो है सेल करो? Of course, sir. Import export का भी बहुत ज्यादा चांस, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इससे. But वही है, उसके लिए first we save some capital and then we can go with this. Even like I was thinking the same kind of vision जो अभी आप बता रहे हैं. देखिए पैसा जो है ना, पैसा magnifier है. The moment you get money और आप creative हो, कारोबारी हो, फिर आपका सारा दिन जो है लग जाता है कि इस पैसे को मैं लगा कि ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, वो entire perspective जो है change हो जाता है. गरीब के पास जब तनख्वाह जाती है वो सोचता है कि आईफोन कब निकलेगा, मैं लूंगा, यू नो लाइक. गरीब जो है आईओएस की तरह होता है, खुद को ओनली फोन अपग्रेड करता रहता है. लेकिन एक कारोबारी इंसान के साथ जब पैसा लाइक वो दिस रेवेन्यू लाइक राइट नाउ व्हेन यू सी दिस इज अ मोटिवेशन. यस सर. $66,000 जो है अमेरिका में एक अच्छा डिग्री होल्डर जो है, अब अगर लेट्स से आप काम करोगे, आपको पर ईयर कितना सैलरी मिलेगा? नॉट मोर देन 150k सारा, और टैक्स निकाल के, वो तो आप टैक्स के, टैक्स निकाल के इट्स अराउंड 110 15 या 1000. 110
आप 110 सैलरी, तो आप सारा साल जो है आप अपने 6 महीने का जो है ना, इवन 6 महीने का, आप अपने जो है 8-9 महीने का तनख्वाह जो है, अगर एक दिन में आपकी रेवेन्यू है, वाई नॉट। कल से पहले मैं जॉब सर्च का देख रहा था कि कैसे जॉब एक स्टेबल हो जाए। कल से मैं सिर्फ सप्लायर से बात कर रहा हूँ कि कैसे इसको सप्लाई और चेन एक लॉजिस्टिक बनाया जाए, ताकि ये जो है रेवेन्यू पर डे का है रुके वो मतलब ना, बनता रहे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में पूरा नजरिया चेंज हो गया। आई मीन व्हाई नॉट, पैसा जो है हर एक चीज का नजरिया चेंज कर देता आई अग्री सर, ऑफ कोर्स। है। लेकिन ये है कि ये पॉजिटिव काम है, एंड ये जो है, अब जमान देखिए, मसला ये है ना कि हमारे लोगों को इस चीज से बाखबर है। अभी आप टू बी ऑनेस्ट, लोगों के लिए $66,000 अ डे, ओ इतना बड़ा, इट्स नथिंग, यस ये तो कुछ भी नहीं है। लो मैंने मैंने जो है, मैंने रेवेन्यूज देखे है, वी बीन इन द इंडस्ट्री, हमें पता है कि हाउ रेवेन्यू वर्क्स, हमें पता है कि नंबर्स कैसे दिखते हैं। ऐसे रेवेन्यू के नंबर है कि आपका जो ऑर्डर पूरा, आपका ये जो इंटायर स्क्रीन है वो भर जाता है। फिल करने में पूरा टाइम फिर लग जाता है। आई करेक्ट, आई रियली यू अग्री विल सर। गेट देयर। ये जो है आपने पहला स्टेप लिया, आई एम सो हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स जो है, जो अब बाकी मेरे स्टूडेंट्स जो है, इतना पॉजिटिव इनको रिस्पांस मिल रहा है, एंड मुझे खुशी होगी कि ये काम जो है सप्लाई चेन का बरकरार रहे और उसमें सक्सेस मिले। गिविंग अ सेल इज नॉट सक्सेस अनलेस द ऑर्डर इज फफिल्ड। यस ऑफ कोर्स तो मैं सर, चाहता हूँ कि उसी ऑर्डर के लिए फफिल हो जाए। यस सर, अभी मुझे 4 ऑर्डर्स शिप करने का अभी नोटिफिकेशन आया है। बट वही है कि सर, अभी ऑनेस्टली मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मुझे यहाँ से मैं कैसे कैपिटल को निकाल, मैं जब तक उनको एक ट्रैकिंग एक नंबर नहीं खतरा है, दूंगा। एक खतरा ले सकते हो। इट्स अ बिग रिस्क, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, बट अभी अगर ऐसा सिचुएशन है, देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू। अच्छा अगर कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करो, एंड देन अमेजोन विल गो अहेड एंड प्रोसेस द फंड्स, but it is asking for द ट्रैकिंग tracking. नंबर। तो Yes, आप जो है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट अदर एंड देन कंफर्म इट। sir. Can I try, sir? Can I show? Go to manage orders. You can simply click on the window on the left. Anyways, okay. Oh, sorry. Yes. No worries. Do you see this? Do you see the option for confirm? Yes. So can you click on confirm shipment? So now आपको जो है लॉजिस्टिक के कैरियर, यू नीड टू सेलेक्ट अ कैरियर। सो शिप फ्रॉम, यू गेट अ, जब आपने लिस्ट किया था, आपने इनको कहा था कि ये चाइना से आ रहा है। हाँ, या दैट्स वेरी यस गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो आप जो है कैरियर सेलेक्ट करें। और मैंने ये जो कस्टमर है उनके साथ रापता भी किया। मैंने उनसे फोन करके बोला कि चाइनीज अभी न्यू ईयर चल रहा है, सो दे आर ऑन वेकेशन, बट वंस दे आर बैक वी आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर ऑर्डर्स फॉर द शिपमेंट। तो यहाँ पर जो है, देयर्स, अगर अगर फेडेक्स करते हो तो दे विल आस्क ट्रैकिंग, नो दैट्स अ रिस्की, अदर पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर जो है शिपिंग सर्विसेज जो है, आप बाई सी डाल सकते ओके हो इन कंफर्म शिपमेंट। You can put an NA in a tracking NA. Now this fund will process today. got it, sir. I know ये खतरा है, but it's not good. ये अच्छी But बात नहीं sir, है। I'm in continuously Yeah. contacting the customers. मेरे पास उनका numbers है, so मैं उनके साथ continuously इस पे बात करता हूँ और उनसे बताता हूँ कि we are processing your orders. That's Thank you very so good. much, sir. Yeah, it अब really जो worked. है, अब जो है, जब आप अपने बैलेंस पर चले चले जाओगे, ये बैलेंस जो है आज पॉप अप हो जाएगा, आप देन
मेबी विद इन 24 आवर्स, डिपेंड करता है आपका अकाउंट अच्छा है पुराना है, यू बीन सेलिंग इट, अमेजोन विल रिलीज द फंड्स, देन Got it, क्लिक sir. ऑन रिक्वेस्ट पे आउट, देन यू आर गुड टू गो. Yes, sir. Got it. Then I can order it to my like and pay my supplier. So तो वो Correct. direct shipment कर देंगे sir. Correct. I was like, yes, यही फर्क पड़ता है sir कि like when you work alone or when you work with mentor, experience matters a lot. Correct. So ये है कि इन तीनों orders को जो है कन्फर्म शिपमेंट कर दो, ठीक है, एंड सप्लायर से कहो कि जल्द से जल्द जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे एंड बाय सी शिप इट आउट. यस सर, फॉर श्योर आई विल श्योरली डू दैट. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि जैसे आपने बोला कि इसको एक प्रीमियम ब्रांड तक मुझे लेके जाना है, सप्लाई चेन पूरा, आई वांट टू गिव माय कस्टमर अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर दिस मोबाइल हाउस, जैसा आपने बोला, आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट. एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज कि आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करेंगे सर. जरूर, फॉर श्योर, अमेरिका में ही है और जल्दी अभी मिलेंगे. अभी भी आप मेरे साथ ही बैठे हो, फर्क ये है कि हम वर्चुअल हैं. अभी वर्चुअल है, बट फिजिकली आपके साथ बैठ के वो पॉडकास्ट करने में मजा और दुगना हो जाएगा सर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. पर ये है कि अभी इस चीज को जो है थोड़ा सीरियस लो, टेक इट सीरियस, क्वालिटी पे नेवर कंप्रोमाइज. क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज मत करो. डोंट थिंक कि ये ओके घर बाय कर लिया मुझे पैसा मिला. नो, थिंक लाइक कस्टमर्स को ऐसा ट्रीट, कस्टमर को जब अच्छा ट्रीट करोगे ना, खुदा तुम्हें अच्छा ट्रीट करेगा. यस सर, फॉर श्योर. ये एक इकोसिस्टम है, ये एक जो है आई वुड से बिजनेस कर्मा है. अगर आपने किसी कस्टमर को गलत चीज दिया, और कर्मा जो है हमेशा वापस आती है इंसान को. सो यू विल बी ऑन द रोड. यस सर, आई डोंट वांट टू लाइक गो विद दैट पार्ट. सो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन माय क्वालिटी एंड व्हाट एवर द सर्विस आई प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, उस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं सर. दैट्स गुड. तो ये है कि अमेज़न का हेडक्वार्टर तो आपके पास है, मोटिवेशन नहीं मिलती आपको उस हेडक्वार्टर से? सर अभी क्या बोलूं, मेरी वाइफ अमेज़न में जॉब करती है. अच्छा. She earn money but honestly she doesn't get time to spend it. मैं उसको देखता रहता हूँ like, so she always say that I work for Amazon and Amazon work for you. Yeah, that's what I'm saying. Yes, Amazon में जो लोग काम करते हैं Amazon seller उनसे ज़्यादा पैसा बनाता है. Of course sir. क्योंकि Amazon जो है mostly ये अब अक्सर आपने वो लूजर्स लोगों को सुना है ना जिनका अमेज़न अकाउंट अप्रूव तक नहीं करता, ओ जेफ बेजो के गुलाम हो. नो, जेफ बेजो हमारा गुलाम है. यस सर, आई कैन सी. हम सेल नहीं करेंगे अमेज़न पे, हम सोर्स नहीं करेंगे, तो जेफ बेजो क्या अलीबाबा पे जाके सारा दिन लेगा? नो, हमने अमेज़न को बिल्ड किया है, हमारे वजह से अमेज़न पे रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि हम वक्त डाल रहे हैं अलीबाबा पे, लिस्टिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं. वी आर द वन. यस सर, ऑफ कोर्स. We are the partners and yeah. because of us, they are getting this much revenue. हमारा जो है कंपनी में हक है, शेयर्स है, क्योंकि कंपनी हमसे चल रही है. Yes sir, yeah. for sure. हम Uber driver थोड़ी है जो Uber के गुलाम है. We are Amazon sellers. Yes sir, we are partners. अच्छा, नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप जो है आपको अल्हम्दुलिल्लाह it will grow. Thank you so much. पर ये आर्मी पर भी काम करो, इस पर भी काम करो, इन ब्रांडेड, इवन दो यू कैन लिटरली पैटेंट योर हाउस. यस सर. अगर चाहते हो कि कोई दूसरा तुम्हारे मुकाबले में ना आए, अपने हाउस को पैटेंट कर दो. यस सर. पैटेंट का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में हथौड़ा आ जाएगा. व्हेन यू हैव दैट हथौड़ा और कोई दूसरा इंसान मुकाबले में उसके सर पे मार के उसका जो है, ही वोंट एबल टू सेल योर हाउस. सप्लायर के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ही विल ओनली गिव इट टू यू. क्योंकि अगर सप्लायर से कोई और दूसरा लेता है तो हाउस का पेटेंट आपका होगा, नोबडी विल बी एबल टू सेल इट. यस सर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया सर. आई कैन लाइक आई हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर यूएस, लाइक आई वर्कड ऑन माय अदर ब्रांड, जो मैंने ब्रांड बनाई है उसका पेटेंट लिया है. सो आई एम अवेयर अबाउट द प्रोसेस यूएसपीटीओ से. ट्रेडमार्क हुआ, पेटेंट हुआ, दीज आर टू थिंग्स के आप लीगली खुद को जो है, लेट्स से कि आप Even though, अगर आप किसी इंडियन पाकिस्तानी आर्किटेक्ट को हायर करते हो, चीप होते हैं.
इवन दो वो ब्लूप्रिंट आप अपने सप्लायर को लेके दे कैन लिटरली इन उस जब आर्किटेक्ट आपको वो पैटर्न वो ड्राइंग दे, उस ड्राइंग को आप पैटर्न करके जब आपका सप्लायर वो घर बनाएगा एंड आप उसको प्रीमियम ब्रांडिंग करते हो, किसी का बाप भी वो घर फिर ऑनलाइन सेल नहीं करेगा, ओनली यू. यस सर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया. व्हाई नॉट? यस सर, आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट सर, फॉर श्योर. सो ये है कि पैटर्न का और ट्रेडमार्क का ये फायदा है, ट्रेडमार्क में कंपटीशन आ सकती है, बट व्हेन यू पैटर्न अ समथिंग वो तुम्हारा है, यस वो कोई सेल नहीं कर सकता. अगर कोई करे एंड आप अमेजोन को कंप्लेन करके वो पैटर्न रजिस्ट्रेशन दो, हिज लिस्टिंग विल बी गॉन. सर, फॉर श्योर. अभी सर ये फर्स्ट टाइम, मैं बहुत टाइम से सोचता था कि जितने भी मैं जब प्रोडक्ट सोर्स करता था, प्रोडक्ट रिसर्च जंगल स्काउट पे, हिलियम पे, सो आई वाज सेइंग कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुके हैं. ऐसा प्रोडक्ट कब आएगा जो मैं जब एकदम इनिशियल स्टेज में होगा और मैं उस पे आऊंगा. सो आई गॉट दिस हाउस वाला प्रोडक्ट, इट्स रियली ग्रेट, आई कैन रियली वर्क ऑन दैट पेटेंट. इस हाउस जो है ये पहले से ही ग्रेट है एंड हमेशा ग्रेट रहेगा, रियल क्योंकि एस्टेट इज, हाउस रियल एस्टेट सेचुरेट नहीं होता. फॉर श्योर, कभी नहीं होगा. हाँ, बच्चे जो है हर सेकंड में बच्चा होता है, हर सेकंड में लोग ग्रो हो जाते हैं, सो पीपल नहीं रहे. नेवर एंडिंग डिमांड है, बस उसका हाँ, सप्लाई एक बार हम सप्लाई और चेन एक बार मैनेज कर लेंगे, इट्स लाइक ऑटोमेशन बिजनेस, यू फॉर आर गुड टू श्योर. गो. ये पूरा ऑटोमेशन है. सप्लायर चाइना में बैठा है, घर मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में, यू आर हियर, यू गॉट द लैपटॉप एंड यू लिटरली डूइंग एवरीथिंग इन क्लाउड. यस सर, फॉर श्योर, आई विल श्योरली वर्क ऑन दैट पार्ट. यप, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. खुशी रियली मिली कि मेरे थैंक स्टूडेंट्स, आज रात को मैं वो लेसन यूनिवर्सिटी में अपलोड कर दूंगा कस्टम क्लीयरेंस का. इट विल हेल्प एवरीवन अलॉट. यू सो मच सर, आई विल श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट. ऑल्सो शायद भाई एक और चीज आपको बतानी थी बोले कि आपका शेयर मार्केट वाला मैंने लेसन करके आई एम अर्निंग रियली गुड इन इंडियन शेयर मार्केट. मैं 2012 से इंडियन शेयर मार्केट करता था, बट आई वॉज लाइक यहाँ से खबर आ गई, वहां से खबर आ गया, आई वॉज जस्ट इन्वेस्टिंग. बट आफ्टर लर्निंग फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी आई एम अर्निंग मोर देन 30-40% एवरी. मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक रूल है, मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जिस कंपनी का शेयर खबर से गिरे. खबर? मैं यस सर, ऐसी कंपनीज को बाय करता हूँ. मेरा स्ट्रेटजी ये है कि खबर चाहे बुरी हो या अच्छी हो, दुनिया में जो है जंग हो या जो भी हो, वो कंपनी हमेशा देयर मेकिंग मनी. you always talk about Airbnb, Coinbase, you always talk, yeah. सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट बंदा करे अगर ओ खबर आई है, ये खबर ऐसी, ये वो कंपनी है जो खबर की वजह से उनकी जो है वैल्यू गिरती है. नो, एयरबीएनबी आपको पता है हमेशा हाई डिमांड इंडस्ट्री है एंड दे आर मेकिंग मनी, व्हाई नॉट. कॉइन, अभी देखिए, मैं बिटकॉइन नहीं खरीदता. आई डू नॉट बाय बिटकॉइन. व्हाई? क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन का कोई काम है ही नहीं. लेकिन ओके मैं कॉइन बेस का शेयर क्यों खरीदता हूँ? मुझे पता है कि कॉइन बेस इज मेकिंग रेवेन्यू, क्योंकि लोग उस यस पर बिटकॉइन खरीदते हैं, लोग गैस फी दे रहे हैं और कॉइन बेस को जो है बाय एंड सेलिंग का फी दे रहे हैं. कॉइन बेस इज मेकिंग रेवेन्यू बट बिटकॉइन नहीं, तो इसलिए मैं कॉइन बेस खरीदता जस्ट लाइक रॉबिन हुड. हूँ. राइट. यस सर, इट्स लाइक रियली इंस्पिरेशनल, सो यार. यही है कि मेरा मैं देखिए मैं भी पहले जो है, पहले जब मैंने शुरू किया, लोगों को सुनता रहा था ये टेलीग्राम को ज्वाइन करना है. लेकिन जब मैंने रियल में एक स्ट्रैटेजी सीखी, दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद इट. आपने आई एग्री. कल कॉइन बेस खरीदा था? मैंने सर एयरबीएनबी खरीदा था, मैंने आई मेड कॉइन बेस प्रॉफिट. खरीदा था. मैंने ऐसे मैंने कहा चलो 500 शेयर्स जो है खरीद लेते हैं, तो मुझे 15,000 का मुनाफा हुआ. गार आउट. आई सॉ योर रील टुडे. हाँ, गार आउट. यस, एंड लाइक रिसेंटली आई इन्वेस्टेड इन एयरबीएनबी, आई मेड प्रॉफिट सर. दैट्स वेरी गुड, यस दैट्स सर, वेरी गुड. ये प्रोसेस है, इंशाल्लाह एक दिन जो है आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा. थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली इंस्पिरेशन. आई कैंट से कि कितना खुश हूँ मैं आज आपसे बात करके. थैंक अल्लाह आपको हमेशा ऐसी खुशी दे. यू सो मच शहीद भाई. बस ये शहीद है भाई कि एक और, अम्मी का ख्याल रखना, अम्मी को जो है अच्छा ट्रीटमेंट देना, सब ठीक हो जाएगा. थैंक यू सो मच आई सर, थिंक मैं आई रियली भी जो है, अप्रिशिएट. अल्लाह चाहता है कि आप ज़्यादा पैसा बनाओ ताकि अम्मी को जो है खुशी दो. यस सर, अम्मी फॉर ने श्योर, अम्मी को अमेरिका लाया या नहीं लाया अभी तक?
अभी उनका इंटरव्यू है मार्च में, दैट्स वेरी और गुड, हम मई में उनको बुलाने वाले हैं। दैट्स वेरी गुड। मेक श्योर बिल्कुल करना कि एयरपोर्ट बिल्कुल, बेंटली में जाओ, टोयोटा में नहीं। यस सर, फॉर श्योर। गुड लक, बड़ी थैंक यू सो मेहरबानी। मच सर, रियली सलाम अप्रिशिएट। अलैकुम। थैंक यू।